फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आपका मोबाइल स्मार्ट वॉच से कनेक्ट रहता है और कहीं पे भी आप कॉल करते हैं तो आपके स्मार्ट वॉच में भी एक छोटा सा हिस्ट्री यहां पे क्रिएट हो जाता है रिसेंट में, ठीक है। तो इसी हिस्ट्री को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी वीडियो किसी सब्सक्राइबर्स के रिक्वायरमेंट पे ही बना रहा हूँ। किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, इसको कैसे हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रिसेट हिस्ट्री बनती है इसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप दो तरीके हैं जिससे आप इसको हटा सकते हैं और यहाँ पे मिटा सकते हैं, ठीक है। तो पहले तरीके की फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे अपने स्मार्ट वॉच को आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो है सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाता है। जो आपने कॉन्टेक्ट सेव किया होगा यहाँ पे, जो आपने वॉलपेपर लगाया होगा अपना फोटो, यहाँ पे भी वो भी हट जाएगा, ठीक है। रीसेट करने के बाद यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि रीसेट करना है कि नहीं करना है। पहला तरीका तो आप रीसेट कर सकते हैं, दो तरीके से आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आपका स्मार्ट वॉच रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो स्मार्ट वॉच में जो आपने नए सेटिंग किए हैं वो सारे सेटिंग हट जाएगा, ठीक है। पे फ्रेंड्स आप स्मार्ट वॉच से भी रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इससे दोनों स्मार्ट वॉच से भी और डाफिट ऐप से भी दोनों से रीसेट कर सकते हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स पहला तरीका। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। तो फ्रेंड्स हमको करना क्या है कि अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये जो पांच नंबरों का ये जो रिसेंट हिस्ट्री दिखा रहा है, अगर किसी किसी का नाम दिखा रहा है यहाँ पे तो वो शो ना करे, यही प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि आप जो है 5 बार 123 नंबर डायल कर दीजिए और यहाँ पे आपका जो हिस्ट्री है बैक चली जाएगी, उसको कोई ला नहीं सकता है यहाँ पे, ठीक है। और फ्रेंड्स अपने फोन से वो जो 5 बार आपने 123 जो डायल किया है उसको हटा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 बार मैं वॉच से भी कर सकता हूँ और फोन से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो 5 बार यहाँ पे हमको करना है इसको, और यहाँ से आपका जो सारे नाम वाले हिस्ट्री होंगे आपका खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो उसको कोई ला नहीं सकता यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हैं केवल 123 ही शो कर रहा है। तो यहाँ से आप और उसके बाद यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, जिसका भी नंबर चाहे रिसेंट से यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ से हटा सकता हूँ, इसका कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स इसको हटा सकते हैं, सिर्फ डिलीट नहीं कर सकते। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो रीसेट ही करना पड़ेगा आपको, जिसके साथ साथ आपका कॉन्टैक्ट फोटो सब कुछ पुरानी सेटिंग जितने आपने किए हैं सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि टाइम भी खराब हो जाए, तो फिर से कनेक्ट कीजिएगा तो टाइम सही हो जाएगा अपने आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।